160 का हमारा पिज्जा डोसा जो है आप देख सकते हैं ऑथेंटिक टेस्ट है, आपको ऐसा लगा आप तमिल में बैठ के खा रहे हो। गाइस हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम जहां आए हैं वो एकदम फ्यूजन रेस्टोरेंट है, एकदम ऑथेंटिक, क्योंकि यहां पे साउथ इंडियन मिल जाएगा आपको, इमली चाट वगैरह जो है वो मिल जाएगा। इमली चाट, इमली तो यहां का रेस्टोरेंट का नाम ही है, सिगड़ी डोसा है वो भी आपको मिल जाएगा, और सारे ऑथेंटिक जो डिशेज है साउथ इंडियन की वो मिल जाएगी आपको। सो आज हम खड़े हैं पोरियल रेस्टोरेंट के अंदर। पोरियल एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्राइड या सोटे वेजिटेबल्स। तो हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे काफी सारी डिशेस के फ्यूजन है, बेवरेजेस काफी सारे हैं, इमली एंड जो चाट वगैरह है वो आपको मिल जाएगा। इमली का भी एक रेस्टोरेंट है जो यहाँ कंबाइंड है, शायद इनका कोलाब है क्या, मोहितो वगैरह आपको सारे मिल जाएंगे। चाट है, वड़ा पाव और दिल्ली चाट, दही भल्ला, आलू टिक्की वगैरह वो मिल जाएगा आपको। डोसा की एक पूरी रेंज है, प्लेन डोसा, रवा डोसा, उत्पम, मसाला डोसा, काफी बड़ा एक है। पर हम यहाँ पे सिर्फ यहाँ के बेस्ट सेलिंग जो डिशेज हैं वो ट्राई करेंगे। पिज्जा डोसा के बारे में मैंने सुना है कि वो बेस्ट सेलिंग है और सब वही खा रहे हैं। अभी पीछे अंकल जो बैठे हैं वो भी वही खा रहे हैं, सब वो जरूर आपको ट्राई करके बताएंगे। लेट्स गो। तो ये बटर मसाला डोसा बन रहा है यहाँ पे, तो आप इनकी मेकिंग भी देख सकते हैं, हाइजीन है पूरा इनका किचन, और ओपन किचन है, यहाँ रोड चल रही है एंड यहाँ पे इनका ओपन किचन है, काफी अच्छा माहौल है। वहाँ इनका रवा डोसा बन रहा है। तो एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मेडिकल कॉलेज से आ रहे हैं तो आपको मेडिकल कॉलेज से ये राइट की तरफ मिलेगा, और अगर आप जलजोग से आ रहे हैं तो आपको एक चौराहे मिलेगा बीच में, फिर आना पड़ेगा। बेस्ट सेलिंग है चीनी डोसा जो 140 का है, अभी वो ऑर्डर कर रहा हूँ मैं, और मेकिंग में आपको भी दिखाता हूँ कैसे बनता है वो, और फिर मैं ट्राई करके बताऊंगा आपको कैसा है। तो गाइज ये है इनका अंदर फैमिली जो है सिटिंग है, और यहाँ पे काफी सारी बड़ी बड़ी टेबल्स है, एक है, दो है, ये है, और काफी सारी है, आप आराम से बैठ सकते हैं, अपना मील जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। जैसे ये अंकल का पिज्जा डोसा आ रहा है, और फिर आप जैसे यहाँ से बाहर निकलते हैं तो आप यहाँ लाइव सिगड़ी डोसा मिल रहा है, उसके बाद में वहाँ पर आपको रिसेप्शन मिल जाएगा, और ये जो रोड है वो चल रही है। एक्चुअली हमने दिया था चीनी डोसा का ऑर्डर, बट हमें मिल रहा है पिज्ज़ा डोसा, क्योंकि ज़्यादा फेमस है, सो हम यही ट्राई करेंगे, यहाँ का बेस्ट सेलिंग है। देखते हैं मेकिंग कैसी है। डोसा का बेस लगा के उसके ऊपर दो सॉस डाले जा रहे हैं, टमेटो सॉस है और पिज़्ज़ा सॉस है। इवनली इसको स्प्रेड किया जा रहा है, जैसे कि डोसा डो पे किया जाता है, जो पिज़्ज़ा डो होता है उस पर जैसे सॉस किया जा रहा है वैसे ही किया जा रहा है, और मुझे लग रहा है पूरी प्रोसेसिंग वही होने वाली है पिज़्ज़ा वाली, बस सिर्फ नीचे का जो बेस है वो सिर्फ आपको डोसा में मिलेगा। ये क्या बन रहा है भैया? हाँ, पनीर मखनी, ये भी इनका बेस्ट सेलिंग है पनीर मखनी, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे इस पे टॉपिंग जा रही है, सारी वेजीज जो है, प्याज है, शिमला मिर्च है, टोमेटो है। तो ये है यहाँ की गार्निशिंग, और काफी अच्छा सजा के दे रहे हैं। कितने का ही? 190 का है पनीर मखनी डोसा, अंदर एड ऑन किया है इन्होंने कॉर्न, स्वीट कॉर्न। अब ये ऊपर डाल रहे हैं चीज, अमेजिंग होने वाला है। ओहो, फुली लोडेड पिज्जा आप कह सकते हैं, डोसा पिज्जा आप कह सकते हैं, फुली लोडेड। और ये आपको सिर्फ मिल रहा है 160 रुपए में, और इतना कुछ इसमें डल रहा है। तो यार अंदर की टॉपिंग्स भी नहीं दिख रही, इतना पनीर और इतना चीज डाल दिया है। तो अब इसमें जले ओरिगेनो जा रहा है, और चिली फ्लेक्स, मतलब सारा सामान जो है वो पिज्जा वाला ही है, बस थिन क्रस्ट आप पिज्जा कह सकते हैं एक तरह का। एक जो वाइब बोलते हैं ना स्ट्रीट फूड की, स्ट्रीट चल रही है एंड यहाँ पे ओपन किचन है, एक अलग ही वाइब आ रही है यार, बहुत ही शानदार यार है पिज्जा डोसा, और सारी टॉपिंग जो है वो पिज्जे वाली। और ये सिगड़ी के ऊपर ही कटिंग कर रहे हैं इसको, और सारे पीसेस जो है साथ में निकलेंगे। यार बड़ा ही अमेजिंग लग रहा है डोसा, सिर्फ 160 के अंदर आपको आराम से दो जने की सर्विंग है, और इसके अंदर जो आपने देखा इंग्रेडिएंट्स फुल पिज्जा वाले ही डाले हैं, सारी टॉपिंग्स जो है पनीर भी ऐड किया है और चीज भी ऐड किया है। वो ये स्लाइस निकल रही है, एक थिन क्रस्ट पिज्जा आप कह सकते हैं।
तो गाइस ये हो रही है प्लेटिंग हमारे डोसा पिज्जा की। वैसे तो यार बहुत तरह के सांभर डोसा और पिज्जा वगैरह है यहाँ पे, बट मैं आपको सिर्फ ये इसलिए दिखा रहा हूँ, ये बेस्ट सेलिंग है यहाँ पे। बाकी मैं सारे ट्राई कर नहीं सकता, कुछ 100 तरीके के डोसे होते हैं, चॉकलेट ये वो। गाइस 160 का हमारा पिज्जा डोसा जो है, आप देख सकते हैं सांभर है साथ में, ये है टमेटो चटनी, नारियल चटनी और ये है पुदीना चटनी, और ये इतना बड़ा पिज्जा जो 160 का है, थिन क्रस्ट पिज्जा बोल सकते हैं, पर ये डोसा पिज्जा है। मैं आपको खा के बता देता हूँ फटाफट से। थोड़ा सा फोल्ड कर लिया है मैंने क्योंकि बहुत थिन क्रस्ट है, नीचे से आपको डोसा ही है, बीच में थोड़ी सी जो फीलिंग है इसकी वो पिज्जा की है। यार पिज्जा की तरह लग रहा है थिन क्रस्ट, पर डोसे की फीलिंग आ रही है, थोड़ा सा साउथ इंडियन टच आ रहा है डोसे के अंदर। पिज्जे को लेकर इटालियन और साउथ इंडियन का आप कह सकते हैं फ्यूजन है। अच्छा ट्राई है, नाइस ट्राई है। अब इसको थोड़ा सा कोकोनट की चटनी के साथ में खाते हैं। माउथ वाटरिंग यार, माउथ वाटरिंग। अब यार बाकी सब ठीक है, पर यार इनकी जो चटनी इन्होंने बनाई है मुंह में पानी आ रहा है इसलिए स्लिप हो रहा है। चटनी जो है इनकी यार, सारी चटनी ऑथेंटिक साउथ इंडियन चटनी है, ऐसा लग रहा है आपको आप तमिल में बैठे हैं और फिर खा रहे हो। नारियल की चटनी मस्ट टेस्ट करना है, मस्ट। ये डोसा खत्म हो चुका है, उसके ऊपर जो जितनी भी वेजिटेबल्स है वो ऐसे ही रखी है, सो मैं स्पून से खा रहा हूँ उसको इंडियन, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। सो पोरियाल का है हमारा छोला भटूरा जो कि हम खा रहे हैं थोड़े से अचार के साथ में। वाह यार हेवी भटूरे हैं। बहुत अच्छा टेस्ट है, 160 के अंदर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आपको दोनों चीज मिलेगी, साउथ इंडियन टच भी मिलेगा और इमली मतलब चाट वगैरह जो आपको पानी पूरी वगैरह है वो भी मिल जाएगी। कैसा लगा आपको? मस्त है, एक नंबर। छोले भी और बहुत अच्छे, इसकी सब्जी भी और बहुत अच्छे, फिर प्याज। बस सो गाइस 130 के अंदर आपको दो पाव और ये, हाँ मैंने एक्स्ट्रा पाव भी मंगवाए हैं, तो यहाँ पे दो पाव मिल रहे हैं आपको, ये भाजी है और इधर थोड़े प्याज मिल रहे हैं और आपको मिल रहा है नींबू, ठीक है। सो ये 130 का है और मैं भी आपको खा के बताता हूँ। यार ये इतनी लिक्विड कैसे है, इसमें इतनी ग्रेवी क्यों है, निकाल के दिखाऊं आपको? पहली बार इतनी ग्रेवी वाली मैंने भाजी देखी, वैसे होती नहीं है इतनी ग्रेवी वाली, बहुत ज्यादा पतली ग्रेवी है यार। हाँ सो ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ मैं आपको, भाजी इतनी ग्रेवी वाली होती नहीं है और टेस्ट भी थोड़ा सा इनका अनऑथेंटिक है, ऑनेस्ट है केवल। सो ठीक है, टेस्टलेस है, वन टाइम यूज आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये भाजी का थोड़ा सा मेरा इश्यू हो गया, इसलिए ये जो अचार है यहाँ का साउथ इंडियन केरी का अचार है, उससे पाव बहुत अच्छे लग रहे हैं, बेस्ट अचार। सो यहाँ पे एक डोसा को लिंक भी लिखा हुआ है, उधर लिखा है पोरियाल इमली, तो कितने नाम है इस रेस्टोरेंट को मुझे नहीं पता, पर ये पोरियाल इमली बोलते हैं इसको। यहाँ पे बन रहा है ये कौन सा है, मसाला डोसा? अच्छा ये रवा बटर मसाला बन रहा है। ये मसाला गया है इसमें एंड बड़ा ये डिलीशियस है। ये क्या है? सांभर। ऑथेंटिक टेस्ट है ये साउथ का सांभर जो है। तो ये सब चीज़ आप ही बनाते हैं जी, है ना? आप साउथ से? नहीं, साउथ से नहीं है, पर यार ये बनाते हैं एकदम एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि साउथ का है, तो बहुत अच्छा लगा यार, यहाँ खाना बहुत शानदार है। सही है, स्टार्ट। सो गाइज ये था आपका द पोरियल द इमली
द फ्यूजन ऑफ साउथ इंडियन डिशेज। एंड कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा जरूर बताना, और मुझे तो बहुत अच्छा है यार, साउथ इंडियन टच बहुत अच्छा था। यहाँ की इमली जो है, चटनी जो चटनीज वगैरह है वो जरूर ट्राई करना, और जो यहाँ का बेस्ट सेलिंग मैंने आपको पिज्जा डोसा बताया वो जरूर ट्राई करना। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।